गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है अच्छे से? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है सभी को। गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए तो पढ़ते हैं। सभी लोग आ गए हैं तो पढ़ते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। चले आगे बढ़े, रेडी है प्राइज जीतने के लिए आप लोग? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो पढ़ते हैं। यस, तो रेडी हैं सब? एक शेर लिखा है मैम आपके लेक्चर को। बिल्कुल, इजाजत है, इजाजत है, फरमाइए। आपके शेर सुनने तो आते हैं हम यहाँ, फरमाइए फरमाइए। चलो भाई, अस्तम का शेर सुन लेते हैं। कौन क्या बोल रहा है? आई एम गेटिंग गोल्ड मेडल, माई पीजी डिग्री, योर लेक्चर सीरीज वेरी हेल्पफुल सर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सक्ति वेल एस हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू डियर फॉर द सेम। ओके, मुझे इनका सिंबल बताओ, आयोडीन। ओके फाइन एवरी वन। या मी गुड, वेर वर यू मिसिंग? यस, वेर वर यू मिसिंग सैयद अमर सिमरन, राइट? ओके, गुड इवनिंग एवरी वन। क्विकली लाइक दिस सेशन सो दैट वी कैन बिगिन ऑल्सो। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कल का सेशन बहुत ही छोटा था, बीच में ही छूट गया था वो। आवाज़ क्लियरली आ रही है ना मेरी? तो आज हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो कल का ये क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व किया है, हाँ ना? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने प्रोडक्ट का कंप्लीट डाइजेशन करवाया है इको आर वन से और हीमोफिलिस थ्री से, एच ई ए थ्री से, और नंबर ऑफ बैंड्स कितने अपेयर होंगे एक्सरे फिल्म पे, ठीक है? और मैंने क्या करवाया है, मैंने यूज किया है टेम्पलेट रिएक्शन जिसमें क्लीनो फ्रेगमेंट है डीएनए का, और मैंने रेडियो एक्टिव एटीपी यूज करा है, ठीक? तो क्या होगा? तो देखो, जहां भी स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे वहां पॉलीमराइजेशन होगा, जहां भी स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे, जहां भी स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे पॉलीमराइजेशन होगा, तो रेडियो एक्टिविटी पॉलीमराइजेशन होगा, कौन पॉलीमराइजेशन होगा, तो रेडियो एक्टिव डीएनए विल बी फाउंड, रेडियो एक्टिव डीएनए विल बी फाउंड। क्यों रेडियो एक्टिव डीएनए फाउंड होगा? क्योंकि कौन सा फॉस्फेट लेबल्ड है, अल्फा, अल्फा फॉस्फेट इज लेबल्ड, है ना? भय भी भावना भट्ट, देर विल बी अ क्विज बट नॉट अ मेंटी क्विज, ओके? देर विल बी अ क्विज बट नॉट अ मेंटी क्विज। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यस्टरडेज वन लेफ्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल प्ले द क्विज, ओके? ठीक है, देर विल बी अ क्विज, हम प्ले करेंगे क्विज, स्टे कनेक्टेड। कल का एक क्वेश्चन रह गया था, वो बस डिस्कस कर रही हूँ मैं। और अगर ब्लंट एंड्स जनरेट होंगे तो ऐसा कुछ होगा, ऋतु बताइए, सपना बताइए, हाँ सिमरन बताओ, जस बेबी जी, यस शिबा, अगर ब्लंट एंड होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? ब्लंट एंड होंगे तो ऐसा कुछ नहीं देखने मिलेगा आपको। तो अब आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, अगर ब्लंट एंड नहीं होंगे तो ऐसा आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा, है ना? तो अब आपसे पूछा है द नंबर ऑफ बैंड्स दैट विल अपीयर ऑन द एक्सरे फिल्म। तो एक्सरे फिल्म पे कौन से बैंड्स देखने मिलेंगे आपको? आप ऑटो रेडियोग्राफी करवाओगे एक्सरे फिल्म पे देखने के लिए? आप क्या करवाओगे, ऑटो रेडियोग्राफी करवाओगे एक्सरे फिल्म पर देखने के लिए, आया ना? तो किससे कटा फ्रेगमेंट, हेलो मंटू, इससे कट हुआ फ्रेगमेंट में एक्सरे फिल्म में दिखेगा आपको, इको आर वन से, इको आर वन से कट किया हुआ हुआ फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट ये वाला लीनियर फ्रेगमेंट, यस और नो? यस और नो एवरीवन? एक ही फ्रेगमेंट देखने मिलेगा, आप बताओ, सब आंसर बताओ, अब बताइए आप सब आंसर। अगर आप कंप्लीट डाइजेशन भी करते हो तो आपको कितना फ्रेगमेंट देखने मिलेंगे एक्सरे फिल्म पे, कितने फ्रैगमेंट देखने मिलेंगे? एक एक
बेटा टीचर को नहीं देखते आज तक, किताब जो बोल रही है वो पढ़ लो, है ना, क्योंकि किताब की चीजें आती है ना, किताब की चीजें आती है ना, राइट, यस और नो, राइट ना। बच्चे पढ़ लो, इधर आओ। ओके, वन फ्रैगमेंट आएगा सबका, सबका वन फ्रैगमेंट आएगा, है ना। बड़ा मजा आया आपकी शायरी सुन के सर। तो अब आज तब शायरियां लिख रहे हैं, मतलब वो टॉप 10 में आने वाले हैं, टॉप 5 में आने वाले हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हो सभी लोग? चलो अपन तो, चलो अब जल्दी जल्दी जवाब दो सब लोग। फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट चाहिए, है ना, फ्रैगमेंट चाहिए हमें आंसर में जवाब, दैट विल बी 1, ठीक अच्छी बात है, हमारी टीम बिल्कुल पढ़ाई की बात हो भाई। तीर्थू सही बोले, सही पकड़े हो, तीर्थू सही पकड़े हो। चलो पढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब सी, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो सॉल्व करो सब लोग मेरे साथ, कॉपी पेन लीजिए और सॉल्व करिए। ध्यान रखिए मैं आपके साथ क्विज जरूर प्ले करूंगी, मैं विनर्स को जरूर गिफ्ट दूंगी, और मैं खुद टेलीग्राम पर लाइव आऊंगी, मैं खुद इंस्टा पर लाइव आकर आपको बता दूंगी कि हु इज द विनर। बट अभी ये 2-3 क्वेश्चंस मेरे साथ कर लो प्लीज, ये थोड़े से हाई लेवल के हैं मैं मान रही हूँ, बट जब हमने पढ़ा है तो क्यों नहीं कर सकते, है ना, ठीक। चलो, अ 1.2 KB DNA फ्रैगमेंट वॉज क्लोन इन बाम H1 एंड इको R1 साइट, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, ये अपना 1.2 KB फ्रैगमेंट है, इसको हमने बाम यहाँ पे क्लोन करा, कहाँ क्लोन करा, यहाँ क्लोन करा, ठीक है, ये हमने क्लोन करा, ये आपने क्लोन कर दिया। चलो ध्यान से देखो स्क्रीन पे, अब बहुत मजाक हो गया, चलिए आइए स्क्रीन पे देखिए, और सब हर एक इंसान को आंसर आना चाहिए। ये एक XHO1 साइट है, ये BAM-H1 साइट है, ये एक XHO1 साइट है, वेट, हाँ ये एक BAM-H1 साइट है, ये एक इको R1 साइट है, ये एक XHO1 साइट है, और ये एक XHO1 साइट है, ठीक है ना। ढूंढने पे तो सिमरन भगवान भी मिल जाते हैं, एक टेलीग्राम आईडी नहीं मिलेगी आपको IFS की। 2023 तो अभी होगा ना श्रद्धा, PG 2023 तो अभी होगा, हाँ ठीक है, तो ये XHO1, ये XHO1, ये EcoR1, ये BAM-H1, ठीक है, ये इतने सारे अगर मैं बात कर रही हूँ, पढ़ लेते हैं, आ जाओ, ये इतने सारे हमें क्या देखने मिल रहे हैं, ये आपको रिस्ट्रिक्शन साइट्स देखने मिल रहे हैं आफ्टर द इंसर्ट, व्हाट आफ्टर द इंसर्ट। तो अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, द वेक्टर कंटेन्स एन XHO साइट लोकेटेड 300 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम ऑफ द BAM-H1 साइट, यानी ये 300 बेस पेयर्स है, द वेक्टर मतलब ये 300 बेस पेयर्स है, ये आपका 500 बेस पेयर्स है, जैसा कि डायग्राम में दिया है, ठीक है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिया है, हाँ जी श्रद्धा कोरी जी, प्रिपरेशन हो रहा है, चलो इधर आइए, ये 300 बेस पेयर्स है, ये 500 बेस पेयर्स है, जैसा कि डायग्राम में दिया है, ये पूरा 2.8 का है, तो ये कितने के लिए बेस पेयर्स का हो गया, ये बताओ, रेड वाला जितना दिख रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, ये कितने बेस पेयर्स का हो गया, कितने बेस पेयर्स का हो गया बताइए, 2.2 पॉइंट, कितने बेस पेयर्स का हो गया बताओ जल्दी,
जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा है वो रीजन कितने बेस पेयर्स का हो जाएगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा है वो रीजन कितने बेस पेयर्स का हो जाएगा। कम ऑन क्विकली, यस प्रखर, त्रितु, एवरीवन क्विकली आंसर मी, यस श्रद्धा, सिमरन, यस रिमझिम, यस मंटू, बेबी, कम ऑन आंसर मी एवरीवन, क्विकली क्विकली। तो अब मैं इसको ए बोल देती हूँ, आप ए और बी करके आंसर दे दो, ए और बी, ए कितने का होगा और बी कितने का होगा। हाँ जी, ए कितने का होगा और बी कितने का होगा बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 2.8 कैसे है अमोल, 2.8 में से ये 300 भी तो निकालोगे, ये 2.5 KB होगा, ये 2.5 KB होगा ना, फिर 2.8 कैसे 2.5 होगा ना, ये 300 भी तो निकालोगे, मैंने 300 पहले ही बोल दिया है। और बी कितना होगा, 700 बेस पेयर्स, वेरी गुड, ये 700 बेस पेयर्स होगा। शिबा, प्लस माइनस में गलती कर दी हमने। प्रखर, वाई 2.8, आई हैव नेम्ड दी मार्जिन्स फ्रॉम हियर टू हियर ना, यू नीड टू रिमूव दिस एरिया ना, देन 800 1.2 KB में से 500 गए तो 800 बचेगा, इज दिट 800 बचता है। इतनी मैथ्स की गहराइयों में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर गणित आनी चाहिए हमें बस। हाँ फिर अब चलो, अब आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हो, मतलब हर जगह कट लगा रहे हो, आप हर जगह कट लगा रहे हो है ना, आप हर जगह कट लगा रहे हो, कंप्लीट डाइजेशन विथ इको आर वन एंड XHO1, द DNA फ्रेगमेंट इन बेस पेयर्स कितने आएंगे, कौन कौन से कंप्लीट डाइजेशन करने पे, यहाँ पे कट लगेगा, चलो कट करें, यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा, कितना बनेगा, 300, 500, 700 और 2.5, और कोई बन रहा है कुछ, अज्यूमिंग कंप्लीट डाइजेशन विथ इको आर वन एक्स एच ओ वन, बाम एच वन की साइड पे नहीं कट करना है, ये बाम एच वन की साइड है। हाँ चलो, अरे टोटल 2.8 है डियर, इस रीजन की बात की मैंने अमोल, ये 300 हुआ ना, तो कट यहाँ पे लगेगा तो 5, 6, 7, 8 कितना आएगा, ये 700 बेस पेयर्स इको आर वन और एक्स एच ओ वन पे कट लग रहा है। चलो तो आंसर ए बी सी डी में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, 2.5 आएगा या 2.8 आएगा, कितना आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, सी में मैं थोड़ा सा ये हटा देती हूँ, सी भी आ जाएगा जवाब। अब बताओ एबीसीडी में से क्या आंसर होगा, बताइए एबीसीडी में से क्या आंसर होगा, अब दिख रहा है आंसर एबीसीडी में से, वेरी गुड प्रखर एंड द रेस्ट एवरीवन, प्लीज आंसर मी। इको आर वन एंड एक्स एच ओ वन, सी दीज आर दी पोजिशन अमोल, 1, 2 and 3, सी द आंसर विल बी सी, वेरी गुड, क्लियर अमोल, श्रद्धा, एवरी वन क्लियर, आंसर विल बी सी, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। डन, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आप करेंगे, श्रद्धा आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, वेट।
सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट दिस इज द इंसर्ट यू आर इंसर्टिंग इट हियर बिटवीन बाम एच वन एंड इको आर वन साइट सो व्हाट आई हैव डिड आई हैव मेड दिस इंसर्ट हियर This is XHO1. This is BAM H1. This is ECO R1. And this is XHO1. This is the 1.2 KB insert that I have inserted. Here there is presence of XHO1. And they have given us the base pairs that this is 300 base pairs. So this is 300 base pairs. This complete is 2.8 base pairs, kilo base pairs. So how much this will be? Minus this 300 base pairs, it will be 2.5 kilo base pairs. So this is 2.5. This complete is 1.2. So how much it will be this? This will be 700 base pairs, right? So you can write down here, this is 500 base pairs, this is 700 base pairs. Now they are saying in the question that you are cutting with ECO R1 and XHO1. ECO R1 and XHO1, if you cut with ECO R1, this is ECO R1, and if you cut with XHO1, you will be getting one band this. I will highlight the bands, wait. This will be one band. Another will be this second and third. So 800 base pairs, 700 and 2.5 base pairs, which is the third answer. Which is what? Which is the third answer. Clear? Up clear hai? ठीक? अच्छा चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, आप खुद से सॉल्व करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, आप खुद से सॉल्व करेंगे. आ लीजिए स्क्रीनशॉट एवरीवन. Quickly take the screenshot from this. ठीक है, मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप खुद सॉल्व करेंगे. एवरीवन क्लियर? श्रद्धा, एवरीवन विल सॉल्व बाय देयर ओन. देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, बहुत गुड, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए. ठीक है, ये थोड़े से हाई लेवल के हैं बट हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपके सीयूईटी पीजी में नहीं पूछे जाएंगे. चलो अब सीयूईटी पीजी वाले आ जाएं, मेंटी पे आ जाएं, क्विज पे आ जाएं. एवरीवन रेडी फॉर द क्विज? हाउ इज द जोश? लिया स्क्रीनशॉट सबने? टेकन द स्क्रीनशॉट? करेंगे सब सॉल्व? ये नहीं है कि मैम बस छोड़ दिया हमने, नहीं चलेगा. चलो आगे बढ़ते फुल जोश. मैम और श्रद्धा, जस्ट ट्राई वंस अगेन. ओके, यू नीड टू जस्ट इंसर्ट इन इट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, जस्ट रीवॉच इट अगेन, यू विल गेट इट. ओके, अदरवाइज यू पिन मी ऑन टेलीग्राम एट IFS ग्रुप, आई विल टेल यू. ओके चलो, रेडी आ जाओ. चलो फटाफट जल्दी जल्दी जवाब देना है. टीम इज वॉचिंग यू राइट. ओके, टीम इज वॉचिंग यू, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग. बी, what is protoplast? Answer is option B. Very good. Shraddha, very good. Astam, tum na comment karne mein reh jana. Shraddha, very good.
द फर्स्ट कमेंट ऑफ श्रद्धा, सो माई टीम इज वॉचिंग, डू नॉट वरी. श्रद्धा चतुर्वेदी, प्रोटोप्लास्ट, प्लांट सेल, ये आपका प्लांट सेल है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका प्लांट सेल है, प्लांट की सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल. तो प्रखर जल्दी से सीयूटी पीजी का फ्री कोर्स जीत सकते हो आप, तो थोड़ा गहरा ठीक है, इसे मैं बोलूंगी प्रोटोप्लास्ट. एप हु विल गिव द फर्स्ट करेक्ट आंसर, पहला कमेंट. ओके, और ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिया, आपको पहले दिखता है, हमारी टीम वॉच कर रही है, डू नॉट वरी अबाउट दैट. ओके, सभी ने सही दिया, बी आ रहा है. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट, रेडी एवरीवन, चले ना आगे, सभी को सही जवाब देने. व्हाट आर सोमैटिक हाइब्रिड्स, व्हाट आर सोमैटिक हाइब्रिड्स. चलो आगे बढ़ो. व्हाट आर सोमैटिक हाइब्रिड्स. यस, व्हाट आर सोमैटिक हाइब्रिड्स. ए प्रोटोप्लास्ट, फ्यूज प्लाज्मिड, फ्यूज क्लोरोप्लास्ट. ए, वेरी गुड, वेरी गुड. सिमरन हैज गिवन द आंसर फर्स्ट. सिमरन हैज गिवन द आंसर फर्स्ट. ए, वेरी गुड, सभी को पता है आंसर ए है. वेर आर दी अदर, वेरी गुड प्रखर, शुभम, ऋतुपर्णा, रिमझिम, आस्तम, बेबी भावना जी, वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाए. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम्ब्रियो कल्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम्ब्रियो कल्चर. थोड़े से मैंने डिफरेंट क्वेश्चन ले लिए हैं, अभी आपके आर डी टी के भी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी. Which of the following is not related to embryo culture? Growth of embryos on culture medium, developing seedlings, multiplication of rare plants, making virus-free plants. Come on everyone, quickly. D. Very good, Shraddha Chaturvedi has given me the right answer. सब लोग D क्यों बोल रहे हैं? सब लोग D क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम्ब्रियो कल्चर. नॉट रिलेटेड पूछा है, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड पूछा है बाबा. ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोज ऑन कल्चर मीडियम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स. हम क्या एम्ब्रियो कल्चर से सीड बना सकते हैं? क्या हम एम्ब्रियो कल्चर से सीड बना सकते हैं? तो एम्ब्रियो को हम किस में पैक कर देते हैं? सोडियम एल्जिनेट में. किस में पैक कर देते हैं? सोडियम एल्जिनेट में. और वायरस फ्री प्लांट हम किस से बनाते हैं? हम माइक्रो प्रोपोगेशन से बनाते हैं. सब बोलो, तुक्के मारो. सबने सी बोला, सबने डी बोला, तो इसलिए डी वाले कितने हैं? मैंने जानबूझ के बोला. चलो डी वाले कितने हैं अपने? बहुत लोग हैं. तीर्तु, तीर्तु राज ने सबसे पहले सही आंसर दिया है कि एक का आंसर देख के तुम लग जाते हो बिल्कुल उसी के पीछे. वायरस फ्री प्लांट्स किससे बनते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन से, लिख लो. इसलिए आंसर डी है, अब ध्यान रखना. सीडलिंग्स बनते हैं, हाँ जी. रेयर प्लांट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, हाँ जी. एम्ब्रियो मीडियम में होता है. हाँ, सीडलिंग्स मतलब कि हम उसे सोडियम एल्जिनेट में, ठीक है, रखते हैं. और वायरस फ्री प्लांट्स के लिए हम माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर. हम्म,
नॉट एन एप्लीकेशन. आ रहे हैं हम सब पे, आ रहे हैं अमोल, आ रहे हैं, आ रहे हैं. नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर. ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना, सोमा क्लोनल वेरिएशन करना, रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन करना या एम्ब्रियो रेस्क्यू करना. डी सी, अस्तम ने सबसे पहले बोला बी. मुझे नहीं पता आंसर, आप लोग बताओगे. अस्तम ने बी बोला है. अरे किसी के तो दो आंसर सही जाने दो. सी, एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है, जो भी सी बोल रहे हैं. अरे भाई टिश्यू कल्चर से आप रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन नहीं करोगे, आप एम्ब्रियो रेस्क्यू नहीं करवाओगे. ट्रांसजेनिक जो भी डी बोल रहे हैं, ये नॉट क्यों नहीं पढ़ रहे हो. टिश्यू कल्चर का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है. ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना उसका एप्लीकेशन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर. तो एम्ब्रियो रेस्क्यू करना नहीं है. सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं, डिफाइन सोमा क्लोनल वेरिएशंस. डिफाइन सोमा क्लोनल वेरिएशंस एवरीवन. चलो ठीक है, डिफाइन जल्दी से करो सोमा क्लोनल वेरिएशंस. एम्ब्रियो रेस्क्यू नहीं करवा सकते. जिसने भी डी बोला, जिसने भी डी बोला, क्यों डी बोला, वो तो करवाएंगे ही ना हम. अब देखो कभी भी टिश्यू कल्चर करोगे तो एक सेल क्लोनल प्रोपोगेशन करेगा ही करेगा. एक सेल से दूसरा सेल डिफर कर सकता है, जिसे सोमा क्लोनल वेरिएशन बोलते हैं. ये सब पीटीसी में पढ़ते हैं आप. एम्ब्रियो रेस्क्यू नहीं करवाते आप, एम्ब्रियो रेस्क्यू नहीं करवाते आप. ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना तो एक एम है प्लांट टिश्यू कल्चर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सोमा क्लोन्स. नो नॉट एट ऑल बी. सोमा क्लोनल वेरिएशन पीटीसी में ही होता है और कहीं नहीं. व्हाट आर सोमा क्लोन्स. आइडेंटिकल प्लांट्स, सोमा क्लोन्स. प्लांट्स केमिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली या जेनेटिकली. जेनेटिकली तो डिफरेंट होने चाहिए या आइडेंटिकल होने चाहिए. एक बहुत ही छोटे से वर्ड का डिफरेंस है, एक बहुत ही छोटे से वर्ड का डिफरेंस है. डी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं. बिल्कुल सही बात. किसी ने सुमी ने बी भी बोल दिया. बी कैसे हो जाएगा सुमी, मुझे ये बताओ. हाउ इट विल बी बी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा. क्यों जेनेटिकली आइडेंटिकल देखते हैं. सोमा क्लोन्स डिफाइन करिए एवरीवन. डिफाइन सोमा क्लोन्स फॉर मी. आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, बढ़िया बढ़िया. आइडेंटिकल, फिर इसको सोमा क्लोन क्यों बोल रहे हैं, फिर इसे सोमा क्लोन क्यों बोल रहे हैं. हाँ, अगर आइडेंटिकल है तो आप सोमा क्लोन क्यों बोल रहे हो उसे. Why then it is called as a soma clone? Why it is called as a soma clone then? Come on everyone, tell me. Okay, Tirtu, very good, very good, very good. Yes. तो देखो ये सही बात है कि वो genetically identical हो सकते हैं. पर सोमा क्लोन मतलब कि उन्हीं प्लांट्स में कुछ कुछ चेंजेस आने लगे विद डेवलपमेंट विद पीटीसी. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. हाँ चलो जल्दी से कुछ, मैं कुछ आरडीटी के भी क्वेश्चंस लूंगी. टेंशन मत लेना कि मैम ये तो हमने पढ़ा नहीं था. कुछ अलग और कुछ साथ का भी लिया जाएगा. ठीक है, अगर मैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ तो क्या है. Used for plant improvement, जो plant improvement के लिए use की जाती है. Protoplast of one sexually compatible plant species can be fused. ऐसा नहीं है. Unsexual compatible species भी use की जा सकती है. Hybrids are produced with variable and asymmetric amounts of genetic material. सही बात है, ये भी सही है. नहीं नहीं क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर. थर्ड क्यों,
फोर्थ शिखा सेनपाई, श्रद्धा जी, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? चलो सब लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। प्रखर, ये स्टेटमेंट सही है? प्रखर ये स्टेटमेंट सही है? और तुम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आप जीन को ट्रांसफर करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे और आइसोलेट करोगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। वेरी गुड तीर्थु, इट विल बी टू। तीर्थु का दूसरा आंसर सही चला गया, अभी तक किसी और का नहीं गया था। नेक्स्ट सेवेंथ, फॉर वेरियस इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन नेकेड प्लांट सेल्स आर यूज, ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनेल इज नॉट पॉसिबल। इज करेक्ट, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी बात करेक्ट है? कौन सी बात करेक्ट होगी इसमें से? अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके गुड सिमरन, वाई बी, श्रद्धा वाई टू, अस्तम वेरी गुड, अस्तम का सही गया है आंसर। नेकेड प्लांट सेल्स आर यूज्ड, ट्रू, पार्शियल जीनोम ट्रांसफर इज फॉल्स, सी को हटाओ, सी को हटाया, पार्शियल जीनोम ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। वेरी गुड, अस्तम का फर्स्ट आंसर सही गया ना सबसे जल्दी। चलो थर्ड, ऐसे कैसे चलेगा? अराबिडोप्सिस थैलियाना सीड्स वर प्लांटेड इन मुराशी एंड स्कूग प्लेट्स विथ और विदाउट अ हार्मोन एडेड टू द मीडियम, सीड्स वर फाउंड टू जर्मिनेट लेट इन द हार्मोन कंटेनिंग एमएस प्लेट्स as compared to MS plates without hormone, identify the hormone. Hormone identify करना है, कौन सा आप क्या बोल रहे हैं? Seed germination के लिए कौन सा hormone responsible होता है ये पूछा जा रहा है, कौन सा hormone responsible होता है? हाँ जैस्मोनिक एसिड, वेरी गुड तीर्थु, तीर्थु का थर्ड आंसर सही चला गया है। देखो जरा फोर्थ, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं शिखा बिल्कुल भी नहीं, एसिटिक एसिड यूटिलाइज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इन माइक्रो प्रोपोगेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका एक आंसर सही है जो आपको बताना है अब। रिड्यूसिंग दी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रिड्यूस कर देंगे तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। हाँ हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, बताओ जल्दी 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 इसका आंसर क्या होगा। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, व्हाट विल बी दी आंसर एवरीवन, क्विकली 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 बताइए क्या जवाब होगा इसका, क्विकली एवरीवन, यस। क्या जवाब होना चाहिए? टू, वेरी गुड श्रद्धा चतुर्वेदी, वेरी गुड टू। देखो ये भी डालेंगे और माल्टोज यूज कर सकते हैं हम सुक्रोज की जगह पे, वेरी गुड श्रद्धा, श्रद्धा का तीसरा आंसर सही है या दूसरा? कोई बात नहीं, टीम देख रही है, डू नॉट वरी, ठीक है श्रद्धा त्रितु, गुड। कल्चर में क्या यूज नहीं करते? हाँ तो हमें, हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन यूज करते हैं वहां पर, हम स्पेसिफिक, हाँ टाइम इशू है
टाइम इशू है वहां पर, स्पेसिफिकली पूछा गया है ना क्या करेंगे हम इसके लिए, हमने उसमें क्या करा है, सीड्स को टैकल कर रहे हो आप, तुम क्वेश्चन मार्क के साथ भेज रही हो, आपका पहले नहीं आया। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आएंगे, इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आएंगे, वो तो आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे ना। एनकेजिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एल इन जिलाटेनियस मैट्रिक्स इज रेफर टू एज आर्टिफिशियल सीड। इसको अगर मैं बात कर रही हूँ तो, अगर हम बात करेंगे तो एमएसक्यू हो जाएगा क्या ये? हाँ एमएसक्यू हो जाएगा, एमएसक्यू है, एमएसक्यू है, एमएसक्यू है। अरे भाई एमएसक्यू है, दो जवाब होंगे, टू तो होगा, उसके साथ क्या होगा? जिलेटिनस ऐसा नहीं है ना, बट बट को भी कर सकते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज। आई एम सेइंग इफ इट इज अ एमसीक्यू व्हाट विल यू आंसर, आई एम सेइंग इफ इट इज अ एमसीक्यू व्हाट विल यू आंसर। माइक्रोकैली नहीं, कैलस का पार्ट है माइक्रोकैली, ए बी ना ना क्यू, व्हाट आर्टिफिशियल सीड किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल सीड में हम क्या क्या रख सकते हैं? टू टिप बड, क्यों तीर्थु, शायद क्यों, क्यों शायद, आई विल गिव नो वन आंसर टू दिस, इसका कोई सही जवाब नहीं है, ने दिया किसी ने, प्रखर बी सही है ठीक है, पर मुझे एक और चाहिए, एमएसक्यू है। सोमैटिक एम्ब्रियोज हम शूट टिप्स के भी बना सकते हैं, हम आर्टिफिशियल सीड यूज कर रहे हैं, गुड। आ जाओ, ओके नहीं प्रखर, नहीं 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 एमएसक्यू है, चलो जल्दी से आ जाओ, सब लोग आ गए अब फटाक से, अब ये सारे क्वेश्चंस आपको और अच्छे से आने चाहिए, तेजी गति से आने चाहिए। सोमैटिक एम्ब्रियो से बीडी होगा, आज तुम क्या बोल रहे हो, सी टू टिप्स एंड प्लांट ईल इन अ जिलेटिनियस मैट्रिक्स, इट्स अ डायरेक्ट थिंग, वेरी गुड। देवांशी ने सबसे ज्यादा पहले आंसर दे दिया, नहीं तीर्थु ने दिया है, तीर्थु, तीर्थु ने दिया है ऑप्शन थ्री, वेरी गुड तीर्थु, तो तीर्थु जीत रहे हैं ना, अभी तीर्थु दौड़ रहे हैं, बाकी सब ने भी जवाब दिया है, देवांशी उसके बाद आई है, गुड। बट विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? ई कोलाई, नो डाउट यही यूज की जाती है। नेक्स्ट, किसने आइडेंटिफाई की थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, किसने आइडेंटिफाई की थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? हाँ, हु हैव आइडेंटिफाइड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कम ऑन टेल मी एवरीवन, who have identified restriction enzymes? Yes, come on tell me, third, first, Rituparna, very good dear, Prakar one, maine to Warner ka naam suna hai, maine to Warner ka naam suna hai, maine to Warner to kahin hai hi nahi, Warner to kahin hai hi nahi, fir वन टू वन, ओके फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय अर्बर वर्नर स्मिथ एंड नथान्स, एक साथ इन तीन लोगों ने करा था, तुक्का मारना बंद करो, वेरी गुड ऋतुपर्णा, तीन लोग थे, हम वर्नर का नाम हमेशा सुनते हैं, प्रखर नहीं, वर्नर स्मिथ एंड नथान्स, ऑल दी थ्री, ऑल दी थ्री, ऑल दी थ्री, ऑल दी थ्री, गुड ऋतुपर्णा, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इज यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सा बेस्ट फिटेड वेक्टर होगा, कौन सा बेस्ट फिटेड वेक्टर होगा हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए? यस,
प्रखर आई होप यू विल नोट दिस डाउन दैट देयर वर थ्री साइंटिस्ट है ना. वॉट न्यू यू आर डूइंग फॉर प्रिपेयरिंग लेट मी नो वंस वॉट न्यू यू आर डूइंग फॉर प्रिपेयरिंग. वी डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ दैट ना. हाँ तो दो और थे ना उसके साथ. वेरी गुड तीर्थु तीर्थु वेरी गुड. आई थिंक सो तीर्थु विल विन बट आई विल अनाउंस इट. वी विल क्रॉस चेक एंड देन वी विल अनाउंस इट. ओके रेट्रोवायरस इज वेरी गुड गुड. बेबीनी बेबी भावना जी वेरी गुड. बिकॉज एनपाई क्या हो गया इतना दुख नहीं मनाते. चलो एक और क्वेश्चन डन. चलो क्वेश्चंस इजी हैं. देखो मैंने 10 क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स के लिए ले लिए थे जो थोड़े से अलग थे है ना. अब आप जल्दी जल्दी जवाब दो थोड़ा ठीक है. सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिप्लाई क्विकली एज पॉसिबल. यू वॉन्ट टू बी विनर सिंस 20th of February से न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है. ध्यान रखना CUET का ठीक है. गुड गुड गुड. नेक्स्ट बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल DNA विथ. ये जवाब नहीं दिया तो फिर कुछ जवाब नहीं दे सकते आप. ये जवाब नहीं दिया तो आप कुछ जवाब नहीं दे सकते फिर है ना राइट. चलो क्या है ये एंडोन्यूक्लियसेस. वेरी गुड ऋतु पढ़ना. तीर्थु यू मिस्ड बाय माइक्रोसेकेंड्स आई विल से. वेरी गुड. चलो सभी का ये जवाब आ रहा है. गुड 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 गुड. एंडोन्यूक्लियसेस. एंडोन्यूक्लियसेस के पास दो प्रॉपर्टी होती है. एक तो वो मॉडिफाई भी कर सकती है मिथाइलेशन के साथ ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर अ 4-year-old गर्ल वॉज फॉर. सिमरन आपका नेट स्लो है और कुछ नहीं. क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं. आ गए या नहीं आए. हाँ यस ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सबने जवाब दे दिया है. रितिका मल्होत्रा वेरी गुड. रितिका अभी तक कैसे जवाब नहीं आया था. कोई बात नहीं स्टे कनेक्टेड. तुक्का मारा ये देखो तुक्का मारा. ग्रोथ डेफिशिएंसी. तो मैं एडिनोसाइन डीएमिनेज के बारे में नहीं पता. बताओ जरा ऐसे कैसे हो सकता है. आपको एडिनोसाइन डीएमिनेज के बारे में नहीं पता ऐसे कैसे हो सकता है. बस जीन थेरेपी टेक्निक इन्हीं पे की गई थी ठीक है. लीनो फ्रैगमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्विकली क्विकली क्विकली. हाँ लीनो फ्रैगमेंट किससे आइसोलेटेड है. लीनो फ्रैगमेंट किससे आइसोलेटेड है. यस बताइए किससे आइसोलेटेड है. डीएनए लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किससे आइसोलेटेड है. बताओ किससे आइसोलेटेड है. डीएनए पॉलीमरेज 1 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मैथिली महाजन वेरी गुड. 2 2 2 2 2 वेरी गुड वेरी गुड. यस अस्तम का भी दूसरा सही हो गया है भाई. प्रखर जल्दी थोड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय अ. इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय अ. किससे आइडेंटिफाइड होता है बताइए. किससे आइडेंटिफाई होता है. हाँ किससे आइडेंटिफाई होता है. ट्रांसजीन प्रमोटर एनहांसर और रिपोर्टर आइडेंटिफाइड बाय. ऋतु पढ़ना गुड
ऋतु पढ़ना, तीर्थु वाई टू, आइडेंटिफाइड बोला, एक्सप्रेस थोड़ी ना बोला, आइडेंटिफाइड बोला बाबा, एक्सप्रेस थोड़ी ना बोला है, आइडेंटिफाइड बोला ना. डिड वी से सेड एक्सप्रेस, डिड आई सेड एक्सप्रेस, नो ना, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर. व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर. ओके ठीक है, डन. चलो आगे बढ़ जाते हैं. Which of the following is the quality of improved transgenic basmati rice? Basmati rice की क्या खूबियां हैं, है ना, क्या खूबियां हैं? अच्छा डी, ना ना, बिल्कुल भी डी नहीं है, बिल्कुल भी डी नहीं है, बिल्कुल भी डी नहीं है. फोर्थ, क्या बोल रहे हो मंटू चौबे जी, नेट इशू. ओके टू, वेरी गुड वेरी गुड मंटू, वेरी गुड. दो आ गए. तरन्नुम कैसी हैं, बहुत दिनों बाद आए आप. टू, वेरी गुड वेरी गुड. दो दो दो. सबसे पहले किसने जवाब दिया हमें? साजन कुमार जी ने पहले दो बोला, फिर चार बोला दूसरों को देखकर. आपने पहले बताया श्रद्धा जी, हमारी टीम चेक कर रही है, डू नॉट वरी डू नॉट वरी. ओके आंसर इज ऑप्शन टू. ठीक, एक्सप्रेस में रिकैप. चलो, एक्सिशन एंड इंसर्शन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज, एक्सिशन एंड इंसर्शन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है एक्सिशन और इंसर्शन ऑफ अ जीन को? बीटा कैरोटीन, वेरी गुड. मी टू, गुड तरन्नुम. यस ओके श्रद्धा, I'll consider, let my team check once. Genetic engineering, biotechnology नहीं बोल सकती मैं. Biotechnology क्यों नहीं बोल सकती? Biotechnology क्यों नहीं बोल सकती ये बताओ. Why can't I say as biotechnology? Tell me this first. Why not biotech? Very good. Fourth. ना भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग है टू. ठीक है चलो. सो बहुत मोस्ट प्रॉपरली करेक्टली क्वेश्चंस ज्यादातर तीर्थु श्रद्धा ने दिए हैं. ठीक है, इन दोनों के नाम के साथ साथ आपको तीन नाम और मिल सकते हैं, आपको तीन नाम और मिल सकते हैं. इट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, बहुत कुछ नहीं बोलते ना, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. सो टॉप फाइव विनर्स आई विल ओनली अनाउंस ऑन मंडे, यू विल गेट इट ऑन आर चैनल, ऑन आर टेलीग्राम चैनल एज वेल. एंड देन अब आपको नेक्स्ट वीक से दीपक सर आएंगे पढ़ाने, तो स्टे कनेक्टेड विथ अस. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके स्टे कनेक्टेड, इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन आर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ऑफ IFS. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. कीर्ति, बट यू हैव डन गुड, यू शुड स्टडी मोर. प्रखर, आई होप इट वाज ओनली एन इंटरनेट इशू, आई नो यू माइट बी स्टडिंग. अस्तम क्यों नहीं आया, आपकी रैंक क्यों नहीं रही, है ना, बातें करने में रह गए आप क्या? थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट सून. ओके थैंक यू.